हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेमप्ले वीडियो। और आज अपन खेलने वाले हैं ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। इससे पिछले एपिसोड में अपन ने अपने सुपरमार्केट में बहुत सारे आइटम लाके रखे थे करीबन $1500 के, और मेरे पास शायद लास्ट टाइम $300 बचे थे। तो देखो आज के एपिसोड में अपन वो $1500 का आइटम बेचने वाले और आगे जाके अपना और प्रॉफिट कमाने वाले, क्योंकि इस बार अपने पास पैसा बहुत होने वाला है। सारा लोन अपना उतर चुका है, सिर्फ 900 का लोन है, या फिर 900 का नहीं 750 का लोन है शायद। तो 750 का लोन चुका के ₹1000 का वापस लोन लेंगे और फिर अपन और सामान खरीदेंगे। तो लेट्स गो। ओके सो गाइस, अभी अपन अपने घर पे आ चुके हैं। अपन सबसे पहले फ्रेश हो लेते हैं। मैं भूल गया भाई, कौन से बटन से फ्रेश होता था। चलो ठीक, अच्छा पहले नहा लिया, अब फ्रेश हो लेते हैं। ओके, अभी अपन फ्रेश हो लिए, नहा लिए हैं, कपड़े वपड़े पहनता नहीं है नए भाई, तो चलते हैं इन कपड़ों में और शॉप देख के आते हैं। शॉप ओपन हो रखी है और $400 रुपए हैं, $300 माइनस में चल रहे हैं। ये तनख्वाह कटी होगी, सैलरी अपने ये बंद होगी और शायद इलेक्ट्रिसिटी बिल, अच्छा वो तो कटता नहीं है, वो तो बहुत पैसा लेता है भाई। से पिछले देखा था मैंने, बहुत पैसे लिया था, तो वो तो कटता नहीं है। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। अभी अपन अपने सुपर मार्केट पे आ चुके हैं। चलो उतरो भाई, देखो क्या चल रही भाई, लीक्स एंड अपडेट्स क्या हैं अपने सुपर मार्केट के। ओके, सामान इधर का सारा बिक चुका है, फ्रिज वाला सारा सामान बचा है इससे पिछले एपिसोड में जो अपन लाए थे। और कितना सामान कल, ओके $588 हो गए, मतलब $200 करीबन आए अपने पास, मतलब 400 थे, हाँ 200 पूरे नहीं लेकिन 200 आए हैं। अभी अपन क्या करते हैं, ओके नहीं कर सकते, मैंने सोचा था देखो अपना अपने ऊपर जो लोन चल रहा है वो है 750 कुछ का, तो मैंने सोचा था इस लोन को अपन चुका देंगे और वापस से 1000 का लोन ले लेंगे। देखो अभी लोन चल रहा है 750 का, तो अपन ये रीपे कर नहीं सकते और जब तक अपन ये रीपे नहीं करेंगे जब तक अपन लोन ले नहीं सकते। तो मैं सोचा था 750 के 1000 हो जाते तो कुछ तो कर पाते, लेकिन ठीक है अभी अपन पास जो $600 है इन्हीं का थोड़ा बहुत आइटम लेके आते हैं। जब तक अपना ये सारा आइटम बिक जाएगा अपन जो नया आइटम लाके इसमें जमाएंगे। तो देखो कितनी जल्दी बिक रहा है वनीला आइसक्रीम, मेरे को भी खाने का है भाई। चलो चलो, अगर ये रियलिटी में शॉप मेरी होती तो सब कुछ मैं ही खा जाता भाई, आधे से ज्यादा टाइम तो मैं ही शॉप पे पड़ा रहता, घर बगल में ही मस्त शॉप पे जाता और एकदम खाना एकदम सब लेके आता। यहाँ अपन जेवर शॉप भी चले या फिर हर बार अपन जेवर शॉप से लेके आते हैं, लेकिन देखो गाइस जेवर शॉप पे जितनी कैटेगरी है सामान की उतनी किसी भी शॉप पे नहीं है। और मेरे को गाड़ी भी चलानी आ गई, देख रहे हो तुम। अरे वापस से लो, अच्छा ओके लोन कम होता, ओ नाइस लोन ऐसे भी कम होता जा रहा है, मजा है। लोन होन दो कम, पूरा लोन होन दो खत्म, फिर मैं वापस लोन ले लूंगा, स्कैम करूंगा मैं। लेकिन अब स्कैम अपन उतार सकते हैं आराम से, क्योंकि अपने पास पैसा आने लग गया है, बहुत अच्छा खासा पैसा आने लग गया है। $600 का आइटम लूंगा आराम से, $1000 बनेंगे मेरे शॉप पे। आज अपन जेवर शॉप आ गए हैं और ये देखो ये, अरे अरे ये, अरे देखो ये कौन सा पिज्जा, वेजिटेरियन पिज्जा शायद अपने लटका पड़ा इससे पिछले एपिसोड। अरे निकाल, अलग से लिया भाई, वापस डब्बे में नहीं डाल सकते क्या यार। एक तो अलग ग्लिच चलती है भाई इसके अंदर। ओके नाइस, ये ले लिया है अपन ने। चलो अभी अपन अंदर चलते हैं, चिप्स वगैरह लेते हैं, इससे पहले चिप्स नहीं ली थी। एक पैकेट, दो पैकेट, और ये वाले भी एक पैकेट और दो पैकेट, बहुत है, चार पैकेट बहुत है, या फिर एक एक और ले लेते हैं दोनों का, क्योंकि ये बहुत बिकते हैं। ओके, अब इनमें से जो भी सस्ता है, थोड़ा बहुत डॉग फूड सस्ता चल रहा है बट हाई प्राइस है, ये गुड प्राइस है बट महंगा है। ओके हाई प्राइस है, गुड प्राइस है, ये भी सही चल रहा है। चलो $2 कमाएंगे इसके ऊपर, अपन दो ले लेते हैं पैकेट, ये हाई प्राइस है, गुड प्राइस ठीक है, इस पे बहुत पैसे आ सकते हैं। ये देखो गाइस, ये नॉर्मल प्राइस 80 का है और 65 में दे रहा है, तो अपन इसको बेचेंगे 80 में लेकिन लेते 65 में, देखो कितना पैसा मिलेगा। इसको ले लो थोड़ा ज्यादा, जो ऐसे प्रोडक्ट है ना, ओके इसको भी ले सकते हैं, बट ओ शिट गलत ले लिया टॉयलेट पेपर, पैसा सारा खत्म। अगली बार से काम करते हैं, जिनकी नॉर्मल प्राइस है बहुत ज्यादा और करंट प्राइस है बहुत ज्यादा कम, अब से वही लेने वाला हूँ मैं सारे प्रोडक्ट। सिर्फ एक डब्बा लेने आऊँ भले मैं $500 का, लेकिन वही लूंगा। अपन सोचते थे ज्यादा प्रोडक्ट भर दो, नहीं, सुनार की दुकान पे जितना पैसा आता है समझ। ओके गाइस, तो मैंने सारे डब्बे जमा दिए, लास्ट डब्बा बचा है, इसको अपन यहाँ रख देते हैं शायद अगर आ जाए और चल जाए। चलो अभी चलते हैं अपन गाड़ी में और देखो ये देखो कितना आइटम लेके जा रहे हैं एक बार में, बस $600 और उसमें से भी $90 बचे हुए हैं मेरे पास। तो चलो डायरेक्ट शॉप पे चलते हैं फटाफट से, पूरी गाड़ी भर के सामान लेके जा रहे हैं। ओके रास्ता गलत चले गए, इधर जाना था, एक तो भाई दिखा नहीं है भाई रास्ता, इधर चल के देखते हैं, गलत तो मैं जा रहा हूँ। खैर मैं निकला गड्डी लेके, रस्ते में एक मोड़ आया, मैं गड्डी वहां से मोड़ लाया। आ जाओ देखो अब मैं लेके चलता हूँ तुम्हें, और सारा आइटम करते हैं दुकान पे खाली और इसको बेचते हैं। और अभी अरे कहाँ टूट गया, ओ सॉरी, हेलो लग गया चूना, अरे भाई अरे ओ शिट गाइस, ऑयल पूरा खत्म हो गया है और इसके लिए बहुत पैसा लगता है, मैंने देख $400 करीबन लगते हैं। और अब यहीं से लेके जाना पड़ेगा भाई इसका सामान, रुको दुकान तक पहुंचाता हूँ सारा सामान, रुकना दो मिनट। हो गया, अभी मैं सारा आइटम ले आया हूँ अपनी शॉप के अंदर। चलो भाई इनको जमाते हैं अपन मस्त, और देखते हैं अभी कितने पैसे आए इतनी देर में अपन ये लेके आए। ओके 722, स्टार्टिंग में अपन सिर्फ ₹200 कलेक्ट कर रहे थे और मैं क्या लेके आया हूँ, बस इतना सारा सामान लेके आया हूँ और $800 हो गए हैं वापस से। नाइस, ये आवाज का है क्या, बाहर
मेरी गाड़ी से कोई गाड़ी नहीं भेड़ेगा, मैं मार दूंगा। मेरे को अभी आवाज आई, तुम लोगों ने सुनी गाइज? ऐसा गाड़ी नहीं चलाते ये देख के। देखो गाइज मैंने कितना सारा आइटम जमा दिया है, मस्त लगने लगा है, देख रहे हो। ओके लास्ट आइटम बचा है, इसको टिकाते हैं यहाँ पे। गाइज अपनी चिप्स की पूरी ये जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वो भर गई है। हाँ अभी अपन जो है इतना सारा आइटम और लाए थे और ये पूरा बिक गया। कितना कितना पैसा कितना आया, $1,000। रुको एक सेकंड, मैं लोन चुका के आता हूँ। सबसे पहले अपन को अगर दोबारा लोन की जरूरत पड़ी तो मैं लोन ले लूंगा, लेकिन अभी पूरा लोन चुकाने तो मेरे को एक रुपए भी उधार नहीं रखना है इन लोगों का। पकड़ पकड़ पैसा पकड़, ₹700। सकल में दिखाना ये जो दाढ़ी, ओह पूरी पूरी डर बहुत लगता है भाई। चलो अभी $300 बचे हैं, लेकिन माइनस में कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ वो माइनस में वो चल रहा है, वो चलता रहा। ओके गाइस अभी मैंने सारा आइटम जमा दिया है। ये देखो डायपर दुनिया भर के हैं मेरे पे, और ये जो है तुम पिज्जा खा सकते हो मस्त एकदम, कोई बात नहीं, वेज पिज्जा है, नुकसान नहीं करेगा। $183 है ना शायद। ओके $500 और आ चुके हैं। फिर चॉकलेट बिस्किट वगैरह, अरे ला रहे हैं भाई ला रहे हैं, सब कुछ यहीं से ले लेना हमारी। ओहो मतलब भाग गया भाई, बंद करो बंद करो, बिना बंद करे भाग गया। अभी मैं घर कैसे पैदल पैदल चलो, मेरी गाड़ी बिगड़ी पड़ी भाई। भाग भाग भाग, डरने का नहीं है, ऐसे घर पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। अपन घर पहुंचने वाले हैं और अब कल से थोड़ा स्कूटी पे काम करना पड़ेगा। और $500 आ गए हैं, ऑयल लेके आए अपनी गाड़ी, लेके आएंगे कल लेके आएंगे। चलो अभी मैं सोता हूँ, फ्रेश फ्रेश होता हूँ, कल चलेंगे अपन बेस्ट बर्गर चलेंगे। ओके गाइस अभी अंधेरा हो चुका है, अब मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है। शायद इसकी लाइट जलती है ना एल। ओके अभी इसका यूज लेंगे अपन, देख रहे हो अकल, देख रहे हो मेरी। एक सेकंड, आगे लगा। ओके गेट कहाँ है अपना, यही कहीं तो गेट था। ओके गाइस अभी उतरने के बाद भी इसकी लाइट जल रही तो अपन जा सकते हैं आराम से घर पे। रात हो गई थी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं चला जाऊंगा। ओके यहाँ जाना है। ओके आ गए अपन बेड पे गाइस, गुड नाइट गुड मॉर्निंग। और अभी अपन फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं और चलते हैं दुकान पे अपनी, लेट्स गो। पहले खाना भी खाते हैं और ये रात की एक्टिवा अपनी बाहर रख के भाई, एक्टिवा पे बैठ। लाइट, इसकी लाइट ने बहुत काम किया भाई, मेरे को गेट नहीं मिल रहा था, गेट मिल गया बताओ इसकी लाइट की वजह से। चलो और ये गाड़ी अपनी यहाँ आ गई अपने आप, क्या बात है। ऑटो सेव होता है जब गेम अपने आप आ जाती है गाड़ी घर पे, सही है। गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया तो वो भी लेके आना है आज, और टिश्यू वगैरह फोल्ड हो रहे हैं। ये रोक 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 गाड़ी रोक गाड़ी रोक रोक भाई। और गाइस हर बार अपन पिज्जा लेते हैं, इस बार कुछ और लेके देखें। देखो इस बार अपन कुछ और लेके देखते हैं क्या मिल रहा है। बर्गर है 25 का, फ्रेंच फ्राइज है 15 की, लेकिन पेट पूरा तो इसी में भरता है, लेकिन बर्गर से कितना भरता है मैंने कभी देखा नहीं। बर्गर से भर के देखते हैं, इसको रखते हैं यहाँ और ईट। अरे लूट लिया तुमने तो भाई, कोई बात नहीं गाइस एक और बर्गर लेते हैं और इसको खाते हैं और चलते हैं। बस 23 की हंगर रहने दो, अपन चलते हैं। चलो शॉप अपनी ओपन हो चुकी है, हाँ ठीक है शॉप अपनी ओपन हो गई है। और ऑयल मिलना चाहिए यहाँ पे कहीं है। ओके सही जगह आए, बिल्कुल सही जगह है, टूल शॉप है ये तो। एक सेकंड इस पे थोड़ी मिलेगा का। ओके इस वाली शॉप पे जाना था अपने को, ठीक है गाइस आप बैठो बैठो कार में, कार है अपनी ऐसी थोड़ी है, बुगाटी सुपरा सुपरा। साले तेरे इतने चांटे मारूंगा। अरे भाई ये वर्कर सैलरी वगैरह काटे जा रहे हैं, यो नहीं काम कर ले, ऐसा चाहिए इन लोगों। चलो चलो कोई बात, अपन चलते हैं इधर की साइड, इस वाली गली में जाके आगे जाना है। नाइस, अबे रोक ले गाड़ी रोक। ओके अपन कार शॉप पे आ गए हैं बड़ी फाइनली, और ये कार वाला देगा मेरे को बिना कार के। ला भाई एक्टिवा ही ला पाया, देख कार तो ला नहीं सका मैं, कार चल नहीं रही थी, ठीक है मेरी। भाई अपन इसे पिछली बार ऑयल कैसे भराया था मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है, ना मैं यहाँ से खरीद पा रहा ना मैं इसको कुछ बोल पा रहा। कार मैकेनिक तो लिखा है भाई, कुछ करते हो क्या, ऐसे ही खड़े रहे, दुकान दिखाने लगा रखी है क्या बे। एक सेकंड इसको अंदर लेके जाते हैं, कुछ करेगा भाई, कुछ नहीं कर रहा बे। गाइस अपने को अपनी कार के पास जाके देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अपनी कार थी इधर की साइड फार्म में ना, ओके ठीक है चलो और रास्ते याद हो रहे हैं। ये नाइस। ओके गाइस तो अपन अपनी कार के पास पहुंचने वाले हैं। ओके और ये कार के पास अपन पहुंच चुके हैं। रोक रोक भाई रोक, एक्टिवा रोक, इससे तेज तो मैं चल के चला जाऊंगा भाई। कहां गई कार, कहां। ओके अभी इसकी इंफॉर्मेशन शो करने के लिए ये रिफिल पे क्लिक करेंगे। यू डोंट हैव एनी ऑयल इन योर इन्वेंटरी, तो वही तो कह रहा हूँ ऑयल लेके कैसे आना है। अब वही उसने ऑयल दिया ही नहीं, ये क्या बात। कार पार्ट टूल शॉप गैस स्टेशन से मिलेगा क्या ऑयल। गाइस एक बार पेट्रोल पंप पे और चेक कर लेते हैं, क्या पता ऑयल वॉयल मिल जाए। पेट्रोल पंप पे ऑयल और पेट्रोल, जो भी है ट्राई मार के देख। यहाँ पे लिखा तो गैस है भाई, मिलेगा कुछ तुम पे। एक सेकंड उतरी हो क्या वे? गैस स्टेशन, अबे भाई मेरे को बोतल में दे दो है भाई। ही नहीं बोतल में नहीं देते लगते भाई, अभी मैं रिफिल कैसे करूं। गाइस दो मिनट आया बस। A few moments later. ओके गाइस तो अभी मैंने देखा है कि अपन को ऑयल अपने फोन से ही खरीदना पड़ता है। ये देखो रिफिल ऑयल 350, अरे लो भाई डन, खरीद तो लिया है मैंने ऑयल, क्योंकि मेरे को सामान वगैरह लेके आना पड़ता है शॉप वगैरह से। तो वो एक्टिवा के आगे डिग्गी में रख के तो ला नहीं सकता, या तो डिग्गी में या तो आगे, एक बॉक्स आएगा टोटल मिला के। अगर इस पर रख भी लिया अपन ने तो कोई मतलब नहीं है, तो अपन गाड़ी में ही ऑयल भरते हैं और थोड़ा बहुत कम यूज तो अब जरूरत नहीं है भाई, इतना पैसा कमा लिया और किसके आकर भाई। नहीं अच्छा एक सेकंड गाइस, मेरे पे बहुत मस्त प्लान है, और वो प्लान ये है कि अपन लेते हैं।
ओके मैं भर तो गया और 10% इसको मैकेनिक के पास और गैस। अरे नहीं गाइस, अपन लेंगे इस बार लोन पूरे $1,000 का और उसका आइटम लेके आएंगे, अपनी पूरी कार सुधरवाएंगे, क्योंकि क्या पता अगर कार खराब हो गई है तो फिर दिक्कत आ जाए, क्योंकि 350 का ऑयल आता है और अगर मैं कहीं शॉप पे जाके भराऊं तो पता नहीं कितने का आएगा इसमें ऑयल। और अगर अब इसको मैं यहां लगाऊं तो कैसे भरेंगे भाई ऑयल, भरना कोई है सेल्फ सर्विस कर रखी है भाई कैसे। ओके यू डोंट हैव, अरे अरे भाई रुकना एक सेकंड, बस पैसा लेके आया मैं, लोन लेके आया, बैंक से लोन लूंगा फिर पेट्रोल भराऊंगा, देख रहे अमीरी देख रहे हो। अरे छोटा मोटा समझा है क्या, ठोक दूं सामने, ठोक दूं बैंक के अंदर घुसा दूं, देखो गार्ड तो मर ही जाएगा और वो आगे वाला अगर बच भी गया तो क्या मतलब है, गन वन मैं ले लूंगा गार्ड की फिर मार दूं, माय प्लान। ओके चलो अभी लोन लेते हैं, ठीक है लोन का माइनस लग गया लेकिन वन 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 देख रहे हो पैसा बहुत भाई, क्या करते रहते हैं उचकते उचकते, लोग चलते नहीं है भाई सड़क पे, उचकते फिरते मैंने बहुत बार देखा इन लोगों। अपन अपना भराते हैं गैस और इसको मैकेनिक के पास भी लेके जानी पड़ेगी क्योंकि 10% हो रखी है, इसको लेके चलो यहाँ अंदर वाले से भराते हैं आज, यहाँ भराएंगे देख रहे हो शौक बढ़े हैं मेरे, ला भाई रिफिल करो रिफिल करो। ओके अभी रिफिल हो गई है 100%, इतनी जल्दी 97% हो गया ये भाई, गलत बात है, चलो कोई बात नहीं अभी अपन चलते मैकेनिक के पास, मैकेनिक वाला इधर मेरे को मालूम है। ओके ये आ गया मेरा यहाँ पे, मतलब मेरा नहीं है फार्म आ गया है और फार्म अबे 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 भाई हद हो गई। ओके चलो ये फार्म आ गया और फार्म के बगल में ये री मैकेनिक शॉप, अब शायद ही कुछ कर दे, वैसे तो खड़ा रहता है मुझे दिखाते सॉल, इसी में घुसा दूँ घुसा दूँ ये ले, अबे नहीं दुकान में घुसाऊंगा पूरा भाई, आगे का बोनट खोल के तो देखेगा, अभी आज इतना तो है नहीं यहाँ, चलो अभी क्या करने का है, ले भाई 350, अरे भाई बहुत पैसा मांगते हैं लोग, अभी दिखाओ 100 ऑयल वापस भर दिया, गैस कम होगी, अबे ये हो क्या रहा है, चलो ठीक है गाइस यहाँ वो कहते हैं ना कि ऐसे मतलब जिनको दे के आते हैं तो ऑयल फॉइल निकाल लेते हैं, पता नहीं इनने भर दिया ये अच्छे लोग लगता है, चलो चलो कोई बात, डायपर वगैरह सोल्ड हो रहे हैं, $600 बचे गाइस, अभी मैं चल रहा हूँ डायरेक्ट जेवर शॉप पे और उससे लेके आऊंगा, वो देख रहे थे पिछले एपिसोड में जो महंगे आइटम थे, अच्छा पिछले एपिसोड में नहीं इसी एपिसोड में खरीदे थे, सॉरी वापस खरीदते हैं आ जाओ, $600 है पूरे $600 के खरीदूंगा और फिर शॉप पे जाके पैसे कलेक्ट करते हैं, देखो कितने मिलते हैं, पूरे आइटम जमाऊंगा फिर कलेक्ट करूंगा, देखते हैं कितने मिलते हैं। चलो यहाँ रखो गाड़ी पार्क करो भाई जल्दी जल्दी, अरे रोक दे अबे गाड़ी ठुक ठुकने नहीं, थोड़ी कोई बात नहीं 999 हो गया सब कुछ कोई बात नहीं, आ जाओ अब यहाँ पे क्या आइटम महंगा है बिल्कुल महंगा लेकिन नॉर्मल प्राइस होनी चाहिए बहुत ज्यादा, देखो ये ट्राई मार के देखते हैं इस बार करंट प्राइस 180 भाई ज्यादा कुछ नहीं, इससे पहले बहुत फर्क था, यहाँ पे $10 का फर्क है। ओके यही खरीदते हैं, एक पैकेट ये खरीद लिया, दो पैकेट खरीद देते हैं और 3-4 रुपए का ही फर्क है 140। ओके ये कैट फूड वो भी तो ड्राई कैट फूड ही था, ये खरीदना चाहिए कि नहीं, ये इसमें कितने का फर्क है 8 रुपए का फर्क है, ये बहुत बड़ा है लेकिन अपने पास। ओके अब पैसे ही नहीं बचे, क्या खरीद रहा भाई पावड़ा हो गया, चलो चलो इस बार गाइस सिर्फ 4 डब्बे लेके जा रहा हूँ, देख रहे हो एक डब्बा मैंने रख दिया ऊपर, सिर्फ 4 डब्बे लेके जा रहा हूँ और कितना सारा सामान देखना एक साथ बिकेगा ये, अब ये ऐसा ना हो भाई ये महंगा सामान बिके ही नहीं, क्योंकि अभी जाके देखते हैं अपन वो डायपर वाइपर बिके हैं कि नहीं सिर्फ पिछले एपिसोड के, चलो फटाफट चलते हैं। अरे पिछला एपिसोड क्यों कर रहा हूँ, पिछली बार ही लिया था, ठीक कोई बात हो जाती है गलती इंसान सी होती है ऐसी बात। ओके अभी मेरे को जाना है इधर जाके, इधर जाना है इधर, ओके ओके डन, अब मेरे को सारे रास्ते पता है, बस एक बार देखा मैंने यहाँ आके, देख रहे हो दिमाग बहुत है मेरे में, बिग ब्रेन हूँ मैं, यहाँ चलो यहाँ चल के यहाँ पे, अरे अरे नहीं अरे नाइस गाइज पैसा देख रहे हो पैसा क्या क्या नहीं कर सकता, पूरी गाड़ी रिपेयर कर दीगा और इतने सारा आइटम और आ गया अलग से, आओ सामान उठाएं, ये उठाओ इसको रखो यहाँ, इसको उठाओ रखो यहाँ, इसको उठाओ रखो यहाँ, चलो भाई ओके मैंने सारा आइटम जमा दिया गाइस, ये देखो अपनी पूरी शॉप अब भरी भरी लग रही है, देखो ये वाला तो सेक्शन भरा हुआ है ही, ये भी भरने लग गया है पूरा, हाँ अभी कुछ सेम आइटम है उसको उठाएंगे और ओके चिप्स वगैरह भी बहुत बिक रहे हैं, अभी अपन लेते हैं कितना पैसा $800 पूरे $800 आए, अभी और आइटम भरा जाए कि फर्नीचर लेके आया थोड़ा बहुत, गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ फर्नीचर वगैरह में पैसा खर्च करने का मतलब नहीं है, अभी आइटम और लेके आते हैं और फिर इसका बिकने का वेट करते हैं तो अपने पास एक साथ बहुत सारी अमाउंट आएगी, तो चलो अपन और आइटम लेके आते हैं इसमें जमाते हैं, पहले तो आज की रात सोते हैं गाइस, आज पहली रात होगी जो अपन टाइम पे घर पे आए, चलो भाई अभी चलते हैं अपन जेवर शॉप डायरेक्ट और आइटम लेंगे, जेवर शॉप चला जाए और भी तो आइटम मिलते होंगे यार कहीं ना कहीं, और कहीं जाके देखते हैं, देखो
देखो के वेजिटेबल शॉप्स वगैरह तो अपन ध्यान ही नहीं दे रहे। गाइस गाड़ी मोड़ो, मीट रखेंगे। देखो महंगा मीट आएगा, एकदम मस्त मीट, बहुत महंगा आएगा, ये रखते ना। ये इस इन वाली शॉप पे तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने, फ्रिज में रखने की है ना मीट, तो यही लेके चलते। वेजिटेबल तो मैंने देखे सस्ते सस्ते बिकते हैं, ये बेचते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक शॉप, और इसके बगल में इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है, लेकिन इस पे अपन बाद में खरीदारी करेंगे। वैसे ये भी बहुत महंगा आता है, देखो 1000 का आइटम है एक ही। गुड प्राइस क्या चल रहा है, देखो गुड प्राइस चल रहा है 500। क्या इन पे प्रॉफिट तो बहुत है, ऐसी बात नहीं है। देखो ये $3000 है, दे रही है। इनमें अपन प्रॉफिट $50-$50 का उठा सकते हैं डायरेक्ट, अगर अपन लेके जाए तो। एक लेके चले लेकिन अरे सारी बिक्री खत्म हो जाएगी अपनी। लेकिन इसमें 50 का प्रॉफिट करना, और आइटमों में अपन ज्यादा प्रॉफिट करेंगे जहां तक मुझे लगता है। इसके अंदर डायरेक्ट देखो 2000 की कैन है, कैन है क्या है, हाँ कैन ही है शायद, ये थर्मस टाइप। इसके अंदर $220 का फायदा है डायरेक्ट, देख रहे हो, कमिंग सून। अच्छा अरे अरे बहुत अमीर लोग हो तुम भाई। अच्छा अपन चीट, वो मीट मीट चीट बोल रहा हूँ, मीट खरीदने आए थे। ये कितने का, ये बिक नहीं सकते। ओके $300 में 20 इसमें। ओके गाइस मीट में सबसे बढ़िया आइटम तो अभी यही है, जो टॉप पे नहीं, दोनों सेम ही है, हाँ इसलिए सेम प्राइस पे, मेरे को लगा अलग अलग है। ठीक है तो एक खरीदते हैं। ओके और फ्रिज रिक्वायर्ड होगा इसके लिए, मेरे को मालूम है। $290 रखते हैं अपने हाथ में और एक ही लेके चलते हैं एक बार के लिए। चलो शॉप पे चलते हैं और इसको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में जगह नहीं है भाई, आ जाए बस, क्योंकि ज्यादा बड़ा लग नहीं रहा है मेरे को ये। सुपरमार्केट जैसा होने लग गया है। आ जाओ ये फ्रिज अपना खाली टॉप पे रखते हैं, उठाओ इसमें से। अबे वहां पे तो खड़े खड़े रखे थे, यहाँ ऐसे लेटा के रखोगे। रुको इसको उठाओ, इसको करो साइड। ये गोली सी क्या है भाई, बेचो इसको अकेली को, निकालो इसे, निकालो सस्ते में, निकालो थोड़ा जल्दी जाएगी। चलो अभी मैंने पूरा 500 का आइटम भर दिया है और कितना पैसा आया, $292। एक और लेके आ सकता हूँ मैं चिकन का पूरा ये, लेकिन नहीं नहीं लाना चाहिए मेरे को चिकन का, क्योंकि और अलग अलग आइटम भरेंगे तो ज्यादा फायदा है, रेटिंग्स भी ज्यादा आएंगी और आइटम भी बहुत बिकेंगे। तो जेवर शॉप चलते हैं, आइटम लेके आते हैं थोड़े बहुत, और इस बार शायद जमीन पे रखने पड़ेंगे, लेकिन ठीक है जमीन पे रखेंगे लेकिन बेचेंगे आइटमों को, पूरा आइटम बिकेगा अभी तो मजा आएगा। तो चलो ओके अपन हम जेवर शॉप आ गए हैं, अभी वापस वही सेम चीज करते हैं जिन पे प्रॉफिट ज्यादा है। देखो करंट प्राइस और नॉर्मल प्राइस सेम होने से अपन प्रॉफिट कुछ नहीं कमा पाएंगे, और पहले मैं ये ध्यान नहीं देता था। अच्छा चिप्स वगैरह लेके ही नहीं जानी चाहिए भाई। अच्छा नहीं अभी महंगी चल रही है, अभी करंट प्राइस इनकी महंगी चल रही है थोड़ी। ठीक है समझ गए भाई। इस पे है $20, ये क्या है, नट चॉकलेट। ओके तो एक ये खरीद लेते हैं, इस पे $20 चल रहा था। ओके इसमें 10 का प्रॉफिट है, ये उठा लेते हैं। ठीक है अलग अलग आइटम तो होंगे कम से कम अपनी शॉप पे, इससे रेटिंग्स बढ़ेंगी। नहीं हाई प्राइस चल रहा है, गुड प्राइस बट सेम है, हाई प्राइस गुड प्राइस, और इस पे $10 है। ठीक है एक ये उठाओ। ओके ये कितने का चल रहा है, अभी हाई प्राइस हो गया है, करंट प्राइस इसके ऊपर भी सिर्फ 2 रुपए ही है। ओके इसके अंदर मिल रहा है थोड़ा सा, ये लेते हैं, और ये नहीं इसी को दो लें, नहीं एक एक ही लेंगे इस बार मैंने सोचा है। 45 ठीक है, अभी फ्रिज के आइटम लेते हैं, फ्रिज के आइटम में थोड़ा देखते हैं, हाई प्राइस चल रहा है वैसे तो सब। ओके ये मिल रहा है इस पे $20, नहीं $10 में। ओके ये नहीं हाई प्राइस गुड प्राइस। ओके ये इस पे भी 10 रुपए है, लेकिन ठीक है विक्ट्री पिज्जा है भाई, वेजिटेरियन पिज्जा नहीं है। चलो कोई नहीं आ जाओ लेट्स गो, इतना पैसा रखते हैं अपनी जेब में, $120 ही बचे। ओके सारा आइटम जम गया है, अभी अपन चल रहे हैं शॉप पे और इस आइटम को रखेंगे पूरा का पूरा, जमीन पे आएगा भाई पूरा आइटम। बस फ्रिज का आइटम फ्रिज में आना चाहिए, वरना पूरा आइटम खराब हो जाएगा, और शायद जमीन पे रखने से अपनी रेटिंग्स गिरती है मेरे को ऐसा लगता है, बाकी तो लगता है कि नहीं ऐसा पता पड़ जाएगा, क्योंकि इस बार अपनी रेटिंग थोड़ी थोड़ी चल रही है। ओके एक सेकंड अभी पेट में हुई मेरे गुड़ गुड़, और बगल में ये है, खाके चलते हैं इसको, गाड़ी को तो यहीं लगा रहे। गाड़ी भाई हर जगह गाड़ी ले जाना जरूरी है, गली में भी जाओगे गाड़ी लेके जाओगे। ओके अपन तेज भी नहीं चल सकते, चलो खा लेते हैं बढ़िया, यहीं पे गुड़ गुड़ हुई अभी के पेट में मैंने सुना थोड़ी देर पहले। हाँ भाई मोटी सी आंख वाले पिज्जा दे मेरे को। ओके मैंने पिज्जा खरीद लिया है, इसको खाते हैं और चलते हैं। अरे ये तो जेवर शॉप पे सस्ता मिलता है मेरे को जहां तक याद है, जेवर शॉप पे खरीद के अपन खा नहीं सकते, ये सेम ही तो था विक्ट्री पिज्जा था ना, वेज पिज्जा नहीं था विक्ट्री। हंगर अपनी हो गई 0 मतलब 1 हो गई है वापस से। ठीक है अभी अपन चलते हैं शॉप पे और पैसे कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले कितने पैसे मिलेंगे, क्या लगता है गाइस अपने को $200 मिल जाएंगे, मिल जाने चाहिए भाई, $200 तो बहुत कम है। तो आइटम रखा है मैंने, देख रहे हो तुम 2000 का आइटम तो होगा मेरी शॉप, 2000 का भी नहीं आराम से 3000 का आइटम होगा, $1000 कर्जे पे चल रहा है और पिछले 2000 मिले मेरे को प्रॉफिट के साइड, टोटल मिला के तो 3000 का आइटम होना चाहिए शॉप। चलो देख लो के सारा आइटम रख दिया है, अभी देखते हैं अपन कितना हुआ है। ओके 380 मैंने बोला था, 200 से ज्यादा होना चाहिए, 200 से ज्यादा। ओके सारा चॉकलेट रख दिया है, यह है टॉयलेट क्लीनर, अरे टॉयलेट क्लीनर की जगह हाँ ठीक है ऊपर है। ओके गाइस तो अभी मैंने सारा आइटम जमा दिया है, वापस अपनी शॉप भर गई, और देखो उतनी भरी लग रही है क्योंकि बहुत सारा आइटम बिक गया अपने पास। 430 तो पड़े हैं,
551. देख रहे हो गाइस, $100 और कलेक्ट हो गए, तो अपनी शॉप पूरी भर चुकी है और अगली बार तक शायद बिकेगी, जब तक अपने पास आराम से $5,000 होने चाहिए। और अगर अपने पास $5,000 आ जाते हैं तो आराम से अपन ट्रेडिंग कंपनी पे जाके ट्रेड कर सकते हैं और अपन और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, अपन अगले एपिसोड में शायद ट्रेडिंग करने चले, क्योंकि अब मेरे को लगता है $5,000 आराम से बन जाने चाहिए। तो ट्रेडिंग शायद 20,000 की थी या फिर 2,000 की थी, तो अगले एपिसोड में देखेंगे। तो अगर तुम्हें जब तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। Oh!